ग्रेनोला बदले की आग में जलकर उस रास्ते पर निकल चुका है जहां उसका मकसद है फ्रीजा और सैयन से अपने परिवार और लोगों की मौत का बदला लेना। ग्रेनोला सैयन से भी नफरत करता है, लेकिन मास्टरमाइंड विलन तो फ्रीजा ही है। आज से 43 साल पहले जब सैयन ने हमला किया था प्लेनेट सीरियल में, जब वो हादसा हुआ था जिनमें सारे सीरियलियंस की मौत हो गई थी, उस वक्त सैयन लोग फ्रीजा का ही तो ऑर्डर मान रहे थे। तो ये पॉसिबल हो सकता है भाइयों, ये मुमकिन है कि ग्रेनोला गोकू और वेजिटा से दुश्मनी ना रखे इन फ्यूचर। उसे समझ आ जाए कि अब हालात बदल चुके हैं, जो मोनाइटो ने समझाया था उसकी जीत हो जाए, उसे ये पता चल जाए कि ये गोकू और वेजिटा अब अच्छे लोग हैं, ये सब मुमकिन है भाइयों, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फ्रीजा के खिलाफ ग्रेनोला की नफरत थोड़ी सी भी कम हो जाए, ये नहीं हो सकता। और बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ग्रेनोला फाइनली फ्रीजा से मिलेगा, फ्रीजा के बिल्कुल आमने सामने खड़ा होगा और अपना बदला लेने की वो पूरी कोशिश करेगा। उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, उसे बस फ्रीजा को जान से मारना है। हम सब लोग फिलहाल फोकस हो रखे हैं गोकू वर्सेस ग्रेनोला की फाइट पर, वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला पर, और हम बिग पिक्चर को विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, जो कि है फ्रीजा की इन्वॉल्वमेंट। देखो, ग्रेनोला का मेन दुश्मन फ्रीजा है। यहाँ तक कि भाइयों, ग्रेनोला ने जो विश मांगी थी अपने 150 साल की जिंदगी को कुर्बान करके कि मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर शख्स बना दो, वो भी फ्रीजा को मारने के लिए ही था। ग्रेनोला को तो ये बाद में पता चला कि कुछ सैयंस अभी भी जिंदा हैं और उनमें से तो दो अभी ग्रेनोला के पास प्लेनेट सीरियल में ही आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए। और ग्रेनोला फिलहाल गोकू और वेजिटा से लड़ रहा है इस उम्मीद में कि वो उन्हें पीट कर हरा कर उनसे फ्रीजा की लोकेशन का पता निकलवा लेगा। अब देखो, इतना तो सभी फैंस को अच्छे से पता होगा कि फ्रीजा से मुलाकात तो होके रहेगी ग्रेनोला की, और मुलाकात होते ही ग्रेनोला क्या करेगा वो भी सबको पता है, हमला करेगा फ्रीजा पर। अभी फिलहाल एलेक भी आ रहा है प्लेनेट सीरियल में, और उसका प्लान है कि ग्रेनोला को अभी यहीं पर मार दिया जाए गोकू और वेजिटा की मदद से। वो नहीं चाहता कि ग्रेनोला फ्रीजा तक पहुंच के उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करे। एलेक भी चाहता है कि फ्रीजा मर जाए, फ्रीजा रास्ते से हट जाए, लेकिन वो उसकी आर्मी पर भी तो कब्जा करना चाहता है। तो एलेक सोच रहा है कि अभी बहुत जल्द ही हम ग्रेनोला को जान से मार दें। बट बच्चा बच्चा जानता है कि फ्रीजा को बिना दिखाए ग्रेनोला की कहानी खत्म नहीं होने वाली। 150 साल कुर्बान किए हैं ग्रेनोला ने, तो फ्रीजा वर्सेस ग्रेनोला तो हो के रहेगा। एंड आई थिंक फ्रीजा के कहानी में आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये आर्क किस तरह खत्म होगी। क्या आखिरी विलेन एलेक होगा, या फिर फ्रीजा, और या फिर ये रहस्यमय गैस। बहुत से फैंस का ये भी मानना है कि आखिर में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है वो है गैस और 7-3। मैं अभी ये नहीं जानता कि ग्रेनोला किस तरह फ्रीजा को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद कैसे उस पर हमला करेगा, बट मुझे इतना जरूर पता है कि अगर ग्रेनोला फ्रीजा के सामने खड़ा होता है तो जस्टिस ग्रेनोला को मिलना चाहिए, जीत ग्रेनोला की होनी चाहिए। ग्रेनोला वर्सेस फ्रीजा की बैटल में गोकू और वेजिटा का रोल नहीं होना चाहिए, ना ही ग्रेनोला को गोकू और वेजिटा के खिलाफ लड़ना चाहिए, और ना ही उनकी मदद लेके फ्रीजा से लड़ना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सीरिलियंस को इंसाफ दिलाने की है। फ्रीजा ने जो पाप किए हैं उनकी सजा देने का पूरा हक ग्रेनोला को है। लेकिन दो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिन्हें मैं नोट करना चाहूंगा मेरे भाइयों। पहला तो ऑफ कोर्स वही सेम जो आप सब लोग भी सोच रहे हैं कि ग्रेनोला और फ्रीजा की फाइट में कौन जीतेगा। चांसेस तो फिलहाल ज्यादा ग्रेनोला के ही हैं, पर फ्रीजा भी कुछ कम नहीं है भाइयों। और दूसरा अहम पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या फ्रीजा को उसके किए की सजा मिल चुकी है? फ्यूचर ट्रंक्स और गोकू ने फ्रीजा को दो बार जान से मारा है, क्या फ्रीजा जैसे इविल विलेन कैरेक्टर के लिए इतनी सजा काफी है? पहले एक बार तो फ्यूचर ट्रंक्स ने पूरा तलवारों से काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और उसके बाद जब वो जिंदा होके आया था तो थोड़ी देर बाद गोकू ने फिर कामयामेहा से फ्रीजा को खत्म कर दिया था। यानी कि भाइयों, फ्रीजा को सजा तो मिल चुकी है, लेकिन अब अगर वो जिंदा है ना, अगर आज फ्रीजा जिंदा है, तो उसका रीजन ये है कि उसने यूनिवर्स 7 को बचाए रखने में हेल्प की थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तो अगर अब फ्रीजा गलत काम नहीं कर रहा है, वैसे तो आई एम श्योर कि अभी भी पक्का कुछ ना कुछ पंगे कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, बट स्टिल अगर अब फ्रीजा कोई भी वैसा पुराना वाला इविल काम नहीं करता है, तो आपको क्या लगता है, फ्रीजा को फिर से नर्ग जाना होगा क्या? बोर नहीं हो गए हैं क्या हम लोग यार, बार बार फ्रीजा को मरते हुए देख देख के? पहले फ्यूचर ट्रंक्स ने ठोका, फिर वेजिटा और गोकू ने, फिर ब्रॉली ने तो भाई धोबी की तरह पटक पटक के धोया, और अब अगर
ग्रैनोला भी आके फ्रीजा को जान से मार देता है, डोंट यू थिंक कि यार बोरिंग हो जाएगा थोड़ा। लेकिन यार ग्रैनोला का बदला भी तो इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा जो आर्क है वो ग्रैनोला के ऊपर ही है, ग्रैनोला द सर्वाइवर आर्क। और यही कंफ्यूजन फिलहाल इस स्टोरी को सबसे एक्साइटिंग बना रहा है। गोकू और वेजिटा भी सही है, ग्रैनोला भी सही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये किसी को नहीं पता। अभी तो फिलहाल हमको ये भी नहीं पता है कि पूरी कहानी में मेन विलेन कौन होगा। सबसे ज्यादा चांसेस जो मैंने अभी तक देखे हैं ना आप सबके कमेंट्स को पढ़ के, वो ये है कि सबसे बड़ा विलेन गैस है। और मैं भी यही मानता हूँ यार, ये गैस और 7-3 का कुछ ना कुछ यहाँ पे पंगा होगा, जो कि नंबर 1 चांस है जिसके मेन विलेन बनने के। सेकंड नंबर पे ऑफकोर्स एलेक है, थर्ड नंबर पे जिसको मैं कहूंगा भाइयों वो हो सकता है फ्रीजा। ग्रैनोला वर्सेस फ्रीजा होके रहेगा, और अगर 1-on-1 फाइट होती है ग्रैनोला और फ्रीजा की, तो करंट कंडीशंस और हाल ही के चैप्टर्स को पढ़ के ये साफ है कि अपर हैंड ग्रैनोला का हो सकता है, क्योंकि गोल्डन फ्रीजा फुल पावर इज समवेयर अराउंड फुल पावर सुपर सैयन ब्लू गोकू, या फिर ब्लू फॉर्म से थोड़ा ज्यादा ही तो ताकतवर होगा ये गोल्डन फ्रीजा। और इतना तो यार भाइयों साफ दिख ही रहा है हम सबको कि ग्रैनोला गोकू के सुपर सैयन ब्लू तक को भी टक्कर दे जाएगा। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि ग्रैनोला के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और ग्रैनोला की जीत का मतलब है फ्रीजा की मौत, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार फिर से होगी। लेकिन फ्रीजा को भी कम नहीं समझना है भाई, वो भी कोई छोटा मोटा विलेन नहीं है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद पक्का वो भी कुछ ना कुछ पंगे कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कसरत कर रहा होगा। सो आप सब क्या सोचते हैं इस ग्रैनोला वर्सेस फ्रीजा के पार्ट के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या लगता है, फ्रीजा के एक और बार नर्ग के दर्शन होंगे, या फिर ग्रैनोला के साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मुझसे पूछा जाए, आई थिंक आखिर में एलेक और गैस को साथ में हराएंगे गोकू, वेजिटा और ग्रैनोला, ये सब साथ में हो जाएंगे, और जीत जिसकी होगी वो है मोनाइटो। जी हाँ भाइयों, बदले का रास्ता गलत है, बदले की भावना गलत है, मूव ऑन करने वाला थॉट विल बी द विनर एट द लास्ट, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, लेकिन यार दोस्तों बदले का जो रास्ता है वो एक्चुअल में गलत है, और ग्रैनोला शायद गोकू और वेजिटा का भी अच्छा दोस्त बन जाए आखिर में। वेल ये सब तो यार मेरे थॉट्स हैं, मेरे ख्याल हैं, एज अ फ्रेंड एज अ फैन मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप सब भी कमेंट्स करके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जहां तक मुझे याद है ना, तो फ्रीजा अभी एलाइज ढूंढ रहा है। याद है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की मूवी में फ्रीजा ने अपने लोगों को हर जगह भेजा था कि मेरे लिए सोल्जर्स ढूंढ के लाओ, और मूवी के एंडिंग में भी फ्रीजा यही कहता है कि जब भी मेरा मुकाबला होता है उन सैयन बंदरों से, गोकू और वेजिटा से, वो हमेशा दो होते हैं और मैं हमेशा अकेला होता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए जिस पर मैं भी इस तरीके से भरोसा कर पाऊँ। तो कहानी में शायद जब फ्रीजा को दोबारा दिखाएंगे तो मे बी फ्रीजा का कोई साथी हो, फ्रीजा जिसके साथ लड़ेगा। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बारे में भी अपने राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। एंड यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, मैं वहाँ पर आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। पिछले कुछ वक्त से मैं इंस्टाग्राम पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट नाउ अब मैंने सोचा है कि मैं अपने इंस्टाग्राम को वापस हैंडल कर रहा हूँ अच्छे से, तो मैं वहाँ भी आप सबसे मिलूंगा भाइयों। मेरे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फॉलो जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।